नमस्कार, इंजॉय फूड एंड ट्रैवल में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे और सुरक्षित होंगे। आज हम बनाएंगे पनीर की भुर्जी। उसके लिए आपको चाहिए 1/4 कप अदरक बारीक कटा हुआ, 1 कप कटे हुए प्याज के लच्छे, 300 ग्राम पनीर हाथ से मसला हुआ, 1 कप कटे हुए टमाटर, आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 कुटी हुई मोटी इलायची, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून लौंग का पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, आधा टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी का पाउडर और तेल। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले एक पैन में 6 टेबलस्पून तेल गरम करें। इसमें जीरा और मोटी इलायची भून लें। जीरा मोटी इलायची भून जाए तो इसमें प्याज मिला के लगातार चलाते हुए सुनहरा होने तक भून लें। अब इसमें हल्दी, लाल मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, धनिया पाउडर, लौंग का पाउडर, इन सबको अच्छे से मिला के 1 मिनट तक भून लें। अब इसमें कटे हुए टमाटर, कटा हुआ अदरक भी मिला दें और मसाले को मध्यम आंच पे तेल छूटने तक भूनें। लगातार इसको हिलाते रहें। मसाले भून जाएं और तेल छूटने लगे तो इसमें मसला हुआ पनीर भी मिला दें। पनीर को अच्छे से मिलाते हुए सिर्फ 1 मिनट तक पकाएं। पनीर को ज़्यादा ना पकाएं, नहीं तो पनीर सूखा बनेगा और इसका स्वाद नहीं आएगा। इसमें काली मिर्च मिला के गैस बंद कर दें और इसको सर्विंग प्लेट पे निकाल लें। तो दोस्तों, हमारी स्वादिष्ट, पौष्टिक, मज़ेदार अमृतसरी पनीर की भुर्जी बनके तैयार है। इसको आप किसी भी ब्रेड और थोड़े से कटे हुए प्याज और तली हुई लाल मिर्च के साथ खा सकते हैं। इसको बनाना आसान है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल इंजॉय फूड एंड ट्रैवल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।